किसान आंदोलन करीब एक साल लगातार चलने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून को वापस लिया। इसी मौके पर किशनगंज के विधायक इजरारुल हुसैन जी ने कांग्रेस कार्यालय में 3 कृषि कानून वापस लेने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किशनगंज के विधायक प्रतिनिधि इरशाद अहयात मौजूद रहे और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता शामिल रहे। बीएनपी न्यूज के लिए किशनगंज से संवाददाता चमन अली की रिपोर्ट। इसके खिलाफ में किसानों ने काफ़ी हंगामा किया। किसान के साथ साथ हमारी पार्टी कांग्रेस ने काफ़ी मेहनत की इसको इस कानून को हटाने के लिए, और जिसका नतीजा ये हुआ, एक साल लगभग एक साल होने जा रहा है और किसान ने रात दिन एक करके, चाहे ठंडा हो, बारिश हो, गर्मी हो, उसमें एजिटेशन को कायम रखा, रजिस्ट्रेशन को कायम रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को बाध्य होना पड़ा इस कानून को वापस लेने के लिए। ये कानून बिल्कुल ही काला कानून था, किसान के खिलाफ था। इसी क्योंकि कानून से कुछ पूंजीपति लोगों के लिए ही था, उसके हिसाब से बनाया गया था। लेकिन मैं उस किसान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उसको मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस अदा करे, कि उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी इस अभियान में। लगभग 700-800 किसान लोग, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस अदा करे। और ऐसे किसान तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और किसान हमारे देश के जितने वासी हैं उनकी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जितनी मेहनत की, मेहनत का नतीजा ये हुआ कि गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा और जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को बाध्य होना पड़ा इस कानून को वापस लेने में। और मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने बात को समझी कि हमने जो कानून बनाया था वो बिल्कुल गलत था और किसान के खिलाफ में था, इसलिए उन्हें सोच समझ कर देखा कि और किसान बिल्कुल सही रास्ते में है। इसके बदलाव तो उन्होंने कानून को वापस लिया, उसके लिए हम किसान पूरे देशवासियों की तरफ से उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी आपके माध्यम से इस स्टेज में खड़ा होकर मैं उनसे आदरणीय प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करता हूँ